भी इसमें लाना भी बहुत मुश्किल है, पर ये बताना कि इससे ही हम ठीक होते हैं वो प्रूव करने के लिए मेरे को इसमें बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ा, और स्ट्रांग रहने से मेरे को तो बहुत बदलाव आ गया और मेरे परिवार में भी एक काफ़ी इफेक्ट पड़ा है जो मैंने सोचा कभी पढ़ भी नहीं सकता था, पर अभी उनको भी द ओनली क्योर टू एनी डिसीज दे फील इट्स योगा. वेरी गुड, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. तो आप इसके साथ नेचर क्योर बिगर भी करते थे कि खाली योगा ही करते थे वहाँ पे? नो, आई डू नेचर क्योर एंड योगा. आई गो फॉर रेगुलर वॉक. जस्ट इट मॉर्निंग वॉक जाने से मेरे शरीर पे बहुत फर्क पड़ रहा है, स्पेशली साइनस की प्रॉब्लम तो शायद आई थिंक ऑक्सीजन में कोई कमी होती है उसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स होती है. अगर वॉकिंग रेगुलरली कर दो वो भी हो सके तो दो बार, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. एंड आई फील वन मेन रीजन फॉर साइनस इज स्ट्रेस, जो मैं बहुत लेती हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे सही बहुत लेती थी, पर अभी कॉन्स्टेंट नीतू जैन कंसल्टेंसी से मेरे को काफ़ी बदलाव पड़ता है, और शांत रहने से बहुत फर्क पड़ रहा है शरीर में. तो यहाँ पे जैसे आप जब आते थे तो साइनस के लिए आते थे, तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा के ढंग से कौन सा इलाज दिया जाता था आपको? प्राकृतिक चिकित्सा के ढंग से मेरे को स्टीम, चेस्ट पैक, टब बाथ और ये पूरा बॉडी स्टीम देते थे. मेन टब बाथ से तो इट वाज मिरेकल्स, बहुत चेंजेस आए मेरे में. और वो फुटपाथ से क्या होता है, देन सडनली उस एक प्रोसीजर से ऐसे लगता है अगर आप सीवियर प्रॉब्लम में हो, और वो जैसे 15-20 मिनट्स का प्रोसेस है, उससे हमारा बहुत कुछ फर्क पड़ता है. इमीडिएटली नाक खुलता है, यू फील रिलैक्स्ड, हेडेक्स चले जाते हैं, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट. तो आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत फायदा हुआ. सीमा जी आप क्या बोलते हैं? रूपा जी, मेरा नाम रूपा मेहता है. हाँ जी, मैं 32 वर्षीय गृहिणी हूँ, यहीं हनुमान नगर में रहती हूँ. पियास के बारे में हमें हमारे मंदिर में पता चला, वहाँ के जो महाराजा हैं उन्होंने हमें इसके बारे में बताया. और मेरी जो प्रॉब्लम्स थी मेजरली मुझे सीवियर स्किन एलर्जी थी, और मेरे लेफ्ट पाँव में आर्थराइटिस था. वो क्या होता है? गुड प्रॉब्लम था मुझे. उससे क्या होता है? सीवियर पेन, जिससे चलना झुकना अत्यंत ही मुश्किल था मेरे लिए, जो असल होता है काफ़ी एज के बाद, बट शायद स्ट्रेस की वजह से और लंबा खड़ा रहने की वजह से मुझे घुटनों में प्रॉब्लम था. तो आप कहीं बताते थे पहले कैसे? हाँ, जैसे स्किन एलर्जी के लिए मैंने काफ़ी अरसे तक मणिपाल में दिखाया था, और घुटनों के लिए भी काफ़ी ऑर्थोपेडिशियन स्पेशलिस्ट से काफ़ी ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी कम से कम 3-4 साल तक ली मैंने. तो इसके अंदर योगा के साथ में आपको प्राकृतिक चिकित्सा का क्या ट्रीटमेंट देते थे, क्या इलाज देते थे आपको? मुझे फर्स्ट तो अनिमा दिया गया, जिससे इंटरनल क्लेंजिंग से मुझे काफ़ी फर्क पड़ा, और फिर उसके कारण एडिशनल बेनिफिट जो मेरे पास था वो था वेट लॉस.